हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क से, हनी सर्कल बुक ग्रेड 6। अब इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। पैट्रिक क्या सोचता है कि जो उसकी बिल्ली थी वो किसके साथ खेल रही थी, और वो जिसके साथ खेल रही थी वो सही में था क्या। इसका आंसर है, Patrick thought that his cat was playing with a little doll, but it was really a man of the small size, an elf. Patrick ने सोचा कि उसकी बिल्ली जो है वो एक गुड़िया के साथ खेल रही है छोटी सी, लेकिन सही में वो जो है एक आदमी था, एक बहुत ही छोटा सा आदमी, एक एल्फ, जो कि अपने आप को कैट से बचाने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर टू है, Why did the little man grant Patrick a wish? वो जो छोटा सा आदमी था उसने पैट्रिक को क्यों कहा कि वो उसकी एक विश को पूरी करेगा। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वांटेड टू गेट हिज लाइफ सेव फ्रॉम द कैट। हुआ क्या था, वो जो बिल्ली थी वो बेसिकली उसके साथ खेल नहीं रही थी जो छोटा वाला आदमी था, बल्कि वो आदमी जो था अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था उस बिल्ली से। अब जो क्योंकि वो पैट्रिक की कैट थी, इसलिए उस आदमी ने पैट्रिक से कहा कि अगर तुम मेरी जान जो है इस बिल्ली से बचा लोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूंगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? अब पैट्रिक ने क्या इच्छा करी। आंसर, पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर व्हिच वाज फॉर 35 डेज। पैट्रिक, हमने जैसा स्टोरी में पढ़ा था कि उसको पढ़ने लिखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ना कभी वो होमवर्क करना चाहता था। ऐसे में उसको एक जो है छोटा आदमी कह रहा है कि मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा, तो उसने अपने आप को बहुत लकी समझा। और फिर उसने क्या कहा कि मैं जो हूँ ये चाहता हूँ कि तुम मेरा जब तक सेमेस्टर ये खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे, और ये लगभग 35 डेज तक चलेगा, तो तुम पूरे 35 डेज तक मेरे साथ रहोगे और मेरा होमवर्क करोगे। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीडेड हेल्प टू द पैट्रिक्स होमवर्क। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो छोटा आदमी था उसको किस सब्जेक्ट्स के लिए हेल्प चाहिए थी। अगर उसको पैट्रिक का होमवर्क करना था तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें वो हेल्प चाहता था। तो इसका आंसर है, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये जो छोटा आदमी था इसे कभी पढ़ाई लिखाई का तो बारे में पता नहीं था, तो अब जो भी अगर उसको होमवर्क करना था तो उसके लिए उसको पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी, ना वो जानता था कैसे करना है। तो जो सब्जेक्ट उसको हेल्प के लिए चाहिए थे वो थे इंग्लिश, मैथ्स और ह्यूमन हिस्ट्री में। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? अब पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे करी। पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग सम्स इन अरिथमेटिक एंड रीड आउट पोर्शंस फ्रॉम हिस्ट्री बुक एज वेल एज ब्रिंगिंग मोर बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। पैट्रिक को क्योंकि ये इच्छा थी कि भाई वो एल्फ जो है मेरी होमवर्क को पूरा करे, लेकिन मजबूरी ये थी कि एल्फ को कुछ पता नहीं था, इसके लिए पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती। तो उसने अब कैसे मदद करी, जब भी कोई टफ वर्ड होता तो वो उसके लिए डिक्शनरी को कंसल्ट करता, अगर सम्स जो अरिथमेटिक में होते हैं उसको करने के लिए वो उसकी मदद करता, पढ़ पढ़ के बताता कि कैसे इसको सॉल्व करना है, फिर हिस्ट्री बुक जो है उसके पोर्शंस में से पढ़ता कि भाई इसका आंसर ये लिखना है या ये नहीं करना है, और साथ ही साथ जवाब जो है जैसे होते ना 2-3 बुक्स को कंसल्ट करके लिखे तो ज्यादा अच्छा आता है, तो सेम चीज था उसको करने के लिए वो लाइब्रेरी से अब और ज्यादा बुक्स लाने लगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डू यू थिंक Did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Give reasons for your answer. आपको क्या लगता है कि जो पैट्रिक है उसका होमवर्क किसने किया एक्चुअल में? जो एल्फ था छोटा आदमी उसने किया या पैट्रिक ने खुद किया? इसके बारे में आपको रीजन बताना है। तो इसका आंसर है, It was not the little man but Patrick himself did his homework as the little man did not know anything in all the subjects. अगर हम सही आंसर कहें तो पैट्रिक ने एक तरह से अपना होमवर्क खुद किया, बस खाली वो एल्फ जो था वो लिख रहा था, अदरवाइज सारा सॉल्व करना, सारा बताना, सारा पढ़ना, सब काम तो पैट्रिक ही कर रहा था, क्योंकि जो छोटा आदमी था उसे तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, और अगर होमवर्क को पूरा करना है तो जो भी करवाना है उसके लिए पैट्रिक को ही बताना पड़ता। टू हेल्प हिम पैट्रिक हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी, गाइड हिम विद मैथ्स एंड हेल्प हिम टू रीड टू। यहाँ तक कि पैट्रिक ने अब डिक्शनरी भी कंसल्ट करी, उसको मैथ्स में भी गाइड किया, उसको जो है पढ़ने में तक मदद करी। ही स्टेड अप एट नाइट एंड वर्क हार्ड एंड देयरफॉर गॉट गुड ग्रेड्स। और इसी वजह से क्या हुआ, वो रात रात को जग जग के उसको हेल्प करता था, काफी उसने इस बारे में मेहनत करी, और तभी उसका जो रिजल्ट आया उसमें क्या हुआ, उसको ग्रेड बहुत अच्छे मिले।
एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। यू मे नॉट नो ऑल द मीनिंग ऑफ द ओल्ड वर्ड्स, लुक सच वर्ड्स अप इन अ डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। यहाँ पर नीचे जो है आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। हो सकता है कुछ वर्ड्स के आपको मीनिंग ना पता हो, तो चाहे तो आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं या फिर अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक है, सम पीपल फाइंड हाउसहोल्ड डैश अ बोर, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोगों को घर के डैश बहुत बोरिंग लगते हैं, पर मुझे अपने घर पे मदद कराना अच्छा लगता है। अब यह जो ऊपर वर्ड्स दिए हैं, इसमें आंसर आएगा कोर्स। कोर्स यानी काम। तो जो कुछ लोग होते हैं उन्हें घर के जो काम है वो बहुत बोरिंग लगते हैं, लेकिन मुझे अपने घर में मदद कराना पसंद है। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है कोर्स। दूसरा है हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री। डैश यानी डैश में आया आपका आंसर मिस्ट्री। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ डैश यानी कि जिसने भी डायमंड चुराया वो अभी तक एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री यानी कि एक रहस्य बना हुआ है कि डायमंड किसने चुराया। थर्ड है दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। इस डैश में हमारे यहाँ क्लास एग्जीबिशन होगी। तो इसका आंसर आएगा सेमेस्टर, यानी जो हमारा ये सेशन चल रहा है इसमें हमारे में क्लास एग्जीबिशन होगी। फोर्थ है डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। क्या हुआ, डैश एल्फ ने जो है पैट्रिक की मदद करना शुरू कर दिया। तो इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा आंसर ट्रू टू हिज वर्ड, यानी अपनी जो बात थी उस पे कायम रहते हुए एल्फ ने पैट्रिक की मदद करना शुरू कर दिया। कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, यानी जो भी वर्ड आप ढूंढ रहे हो क्या इसको डिक्शनरी में देख सकते हो। सिक्स्थ है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देर वॉज अ ट्रैफिक जैम। मैंने सोचा कि समय से पहले जल्दी शुरू करता हूँ ताकि जैसे अगर कहीं जाना हो तो पहुंच सकूं, बट आई वॉज डैश आई वॉज आउट ऑफ लक। यानी कहते हैं ना, अरे फिर आज दिन अच्छा नहीं था, आज किस्मत खराब थी कि आज जो है जल्दी निकला पर क्या हुआ, ट्रैफिक जैम मिल गया। तो इस फिल इन द ब्लैंक का आंसर है आउट ऑफ लक। सेवेंथ है शी सेज शी गॉट लॉट्स ऑफ बुक बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। इसका आंसर है कि उसने कहा उसको जो पास बहुत सारी किताबें हैं पर हाँ तुम्हारे और हमारे बीच में ज्यादातर बुक्स जो हैं वो बोरो की हुई हैं। तो बिटवीन यू एंड मी यानी हमारे बीच में तुम्हारे और हमारे बीच में जो भी बुक्स हैं वो सारी की सारी हमने दूसरे से बोरो करी हैं। तो ये माय फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कम्प्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। अब आपको जो क्लूज दिए हैं उससे आपको इस क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट करना है। अक्रॉस में है पहला, अक्रॉस होता है यानी हॉरिजॉन्टल जाना, तो अक्रॉस का है वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड में अगर आप देखेंगे तो जो नंबर वन है अक्रॉस में उसका आंसर आएगा वेरी डब्ल्यू ई ए आर वाई यानी बहुत ज्यादा थका हुआ। दूसरा अक्रॉस वर्ड है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस यानी फेस पे जो है बहुत ज्यादा एक गुस्से वाले भाव, तो इसका आंसर आएगा स्काउल्ड एस सी ओ डब्ल्यू एल ई डी स्काउल्डेड यानी कि आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्से के एक्सप्रेशन आना। फिर थर्ड है शॉर्ट ट्राउजर्स। शॉर्ट ट्राउजर्स का मतलब हो गया जैसा हमने इसमें बुक में भी पढ़ा है वर्ड ब्रीचेस यानी शॉर्ट ट्राउजर्स घुटने से जरा सी नीचे वाली पैंट। फोर्थ है अ फॉल्ट इन द मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। कुछ मशीन में खराब जब हो जाता है तो उससे जो वर्किंग है उससे जो काम है वो एक तरह से सही नहीं चलता है। तो ऐसे में इसको हम वन वर्ड कैसे देते हैं, ग्लिच यानी जी एल आई टी सी एच इसको बोलते हैं ग्लिच। फिफ्थ अक्रॉस है अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी एक छोटी सी शैतान सी परी पर मेल परी, तो उसको हम क्या बोलते हैं एल्फ, जैसा कि इस बुक में यूज किया गया है। फिर हमारा डाउन में आते हैं, डाउन में है सिक्स सेवेंथ और एट। सिक्स्थ वर्ड है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग यानी ऐसे काम जो हमें हर रोज करने चाहिए हो सकता है उससे आपको बोरियत हो, तो उनको हम कहते हैं कोर्स सी एच ओ आर ई एस यानी घर के काम। सेवेंथ है अ बास्केट विद अ लिड
एक बास्केट कंडिया जिसमें ऊपर कवर लगा हो यानी लिड लगी हो, तो उसको हम बोलते हैं हैम्पर, HAMPER। और डाउन में एर्थ है, गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई यानी छोटा सा पर जोर से जिसे कहते हैं चीख के रोना, तो इसको इस एक वर्ड में कैसे बोलेंगे, श्रीड, SHRIEKED। तो ये होगी हमारी क्रॉसवर्ड पजल। आपकी ये वाली जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आपको समझ में आई, अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो माय चैनल आशा एजुकेशन। बाय।